अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान शनिवार को मुंबई के आर्थर रोड जेल से रिहा हो चुके हैं। उनकी रिहाई से मानो पूरे मन्नत में ही खुशियां लौट आई हैं। और खुशी हो भी क्यों ना, आखिर पूरे 24 से 25 दिन की जद्दोजहद और उथल पुथल के बाद आर्यन शनिवार को सलाखों से बाहर निकलकर अपने घर मन्नत जो पहुंचे हैं। हालांकि जेल से आने के बाद आर्यन घर पर प्राइवेसी को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव भी किया है, और वो बदलाव ये है कि आर्यन खान ने सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का प्लान किया है। हालांकि उन्होंने अपने अकाउंट को बंद नहीं किए, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से अपनी डीपी हटा दी है। अब उनकी डीपी में कोई फोटो नहीं बल्कि व्हाइट बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पर आर्यन के कुछ पुराने पोस्ट भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस बात की जानकारी आर्यन खान की तरफ से फिलहाल नहीं दी गई है। हालांकि कुछ लोग आर्यन के ऐसा कदम उठाने को लेकर यही कयास लगाए जा रहे हैं कि वो फिलहाल पब्लिक अपीयरेंस से दूर रहना चाहते हैं। अब आर्यन अपना सारा वक्त अपनी फैमिली और खुद को देना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने इंस्टाग्राम से ब्रेक लेने का प्लान किया है। बता दें कि इंस्टाग्राम पर आर्यन को लगभग 1.9 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। जेल जाने से पहले आर्यन इस प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव भी रहते थे। वे अक्सर सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स व फैमिली की तस्वीरें शेयर करते रहे हैं, लेकिन अब उनके इंस्टाग्राम पर केवल 24 पोस्ट ही दिख रहे हैं, मानो उन्होंने अपने कुछ पोस्ट डिलीट कर दिए हों। आर्यन के इस बदलाव को देखने के बाद हर कोई शॉक भी है। बता दें कि आर्यन जेल जाने के बाद से खुद को काफी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो आगे जाकर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने को लेकर भी काफी कुछ सोच रहे हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि आर्यन खान ने खुद कहा था। दरअसल आर्यन ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों से ये कहा था कि वो जेल से बाहर आने के बाद गरीबों की मदद करेंगे। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब आर्यन जेल में थे तब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अपनी टीम के साथ आर्यन खान की काउंसलिंग भी की थी। उसी दौरान आर्यन ने उनसे कहा कि जेल से बाहर निकलने के बाद वो गरीबों और कमजोरों की मदद करेंगे। सिर्फ यही नहीं, काउंसलिंग सेशन के दौरान आर्यन ने ये भी कहा कि वो कभी कुछ ऐसा गलत नहीं करेंगे जिसकी वजह से वो चर्चा में आए। इसके साथ ही आर्यन ने कहा कि मैं एक दिन कुछ ऐसा जरूर करूंगा जिससे आपको सबको मुझ पर गर्व होगा। वहीं जेल में रहने के दौरान आर्यन की कई कैदियों से जान पहचान भी हो गई थी। आर्यन खान ने इन कैदियों से वादा भी किया था कि वो बाहर निकलकर उनके घर वालों को आर्थिक मदद भी पहुंचाएंगे। साथ ही कैदियों के खिलाफ जो भी मामले चल रहे हैं उसमें भी उनकी हेल्प करेंगे। जेल से निकलने से पहले आर्यन दूसरे कैदियों से मिले और उन्हें गले भी लगाया। गौरतलब है कि आर्यन जब से जेल से बाहर आए हैं वो अपनी लाइफ काफी पर्सनली जी रहे हैं, और ऐसे में अब उनका इंस्टाग्राम को लेकर बदलाव इस ओर इशारा कर रहा है कि हो ना हो आर्यन जरूर कुछ अच्छा और बड़ा प्लान करने में जुटे होंगे जिसे एक दिन सबको उन पर गर्व होगा। वहीं जेल से आने के बाद से आर्यन की सुरक्षा को लेकर भी उनके पिता शाहरुख खान और उनकी माँ गौरी खान ने खास इंतजाम किए हैं। उनके लिए स्पेशल बॉडीगार्ड भी हायर किया जा रहा है। शाहरुख खान और गौरी बेटे को जल्द काउंसलिंग सेशन भी कराने वाले हैं। दरअसल जिस जेल में इतने दिनों तक आर्यन जो मेंटल ट्रॉमा से गुजरे हैं उससे बाहर निकालने के लिए शाहरुख और गौरी काउंसलर की मदद लेंगे ताकि आर्यन जल्द से जल्द बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ पाए। हालांकि जेल से निकलकर भी आर्यन खान की आगे की जिंदगी इतनी आसान नहीं रहने वाली है। आर्यन खान को ड्रग्स केस में सशर्त जमानत मिली है, इसीलिए उन्हें बिना परमिशन लिए विदेश जाने की इजाजत नहीं है। वहीं हर फ्राइडे आर्यन को एनसीबी के पहले मुंबई ऑफिस में हाजिर होना है। इसके साथ ही आर्यन को अपने साथ आरोप में फंसे किसी भी दोषी से डायरेक्ट बात करने की परमिशन नहीं है। जब तक कार्रवाई चल रही है आर्यन मीडिया से भी इंटरेक्ट नहीं कर सकते।